मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि टिपिकली क्या है। आप कहते हैं कि वर्ड टिपिकली को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वर्ड टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पर। जैसे आमतौर पर मैं अंग्रेजी दवा नहीं खाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टिपिकली आई डोंट टेक एलोपैथिक मेडिसिन, यानी आमतौर पर मैं एलोपैथिक दवा नहीं खाता हूँ। कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं कि इसे करने में एक दो दिन लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं इट टिपिकली टेक्स वन आर टू डेज टू कम्प्लीट, यानी आमतौर पर इसे कम्प्लीट होने में एक दो दिन लगते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ड टिपिकली का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो आपको कॉमा से सेपरेट रखना होगा, और अगर आप इसे सेंटेंस के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप इसे मेन वर्ब के पहले लिखेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि यह कंसेप्ट आपको और अच्छा से समझ में आ सके। आमतौर पर एक अच्छा इंजीनियर एक दिन के लिए 1000 रुपया लेता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टिपिकली अ टॉप इंजीनियर कॉट्स अप 1000 फॉर अ डे, यानी आमतौर पर एक अच्छा इंजीनियर एक दिन के लिए 1000 रुपया लेता है या 1000 रुपया चार्ज करता है। कई बार आपको कहना होता है कि अप्रूवल मिलने में 4 हफ्ते लगते हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट टिपिकली टेक्स 4 वीक्स फॉर अप्रूवल, यानी आमतौर पर अप्रूवल मिलने के लिए 4 हफ्ते लगते हैं। आमतौर पर हाथियाँ खुले जगह में रहती हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Elephants typically live in open spaces, यानी आमतौर पर हाथियाँ खुले जगह पे रहती हैं। आमतौर पर एक दिन में मैं 2 वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Typically I can shoot 2 videos in a day, यानी आमतौर पर एक दिन में मैं 2 वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पर। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।